झारखंड के आईएएस के कथित भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद राज्य में राजनीति गर्म है। ये राजनीति आरोप प्रत्यारोप का खेल उस समय तेज हो गया जब सत्तारूढ़ झामुमो और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने राज्य भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और दावा किया कि भगवा पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि खराब करने के लिए प्रयास कर रही है। इधर भाजपा ने झारखंड सरकार की भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रहने के विरोध में सत्तारूढ़ सरकार की नकली अंतिम संस्कार निकाली। दरअसल एक दिन पहले ईडी के झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा कोष के कथित गबन मामले में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को हिरासत में लिया गया था, जिसके द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद झामुमो कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल सुमन कुमार के अलावा राज्य के खनन सचिव पूजा सिंघल और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई।